हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कोमल एंड वेलकम टू केसी साइंस टॉक्स। गाइस, आज मैं आपके सामने ट्रूमैन्स बायोलॉजी का रिव्यू करूँगी फॉर क्लास 11 की बुक है ये। गाइस, ये बुक मैंने ऑर्डर करी थी तो इसके साथ मुझे एलिमेंट्री बायोलॉजी के साथ मुझे ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की भी जो है बुक मिली है। तो ये और मुझे ये एक्टिवेशन कोड इनसाइड फ्री ई बुक के लिए मिला है, ठीक है। तो आपके पास ई बुक भी हो जाएगी और हार्ड कॉपी भी हो जाएगी और ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के लिए भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो इसके साथ फ्री मिली है, ओके। तो गाइज, ये सब्जेक्टिव एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं और एग्जाम्पलर MCQs हैं सॉल्व, ओके। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये वन लाइन जो है आंसर है इनका, या कुछ वर्ड्स का ही आंसर है, तो ये आपको मिलेंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे इसमें, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको टेक्स्ट के लिए रेफ़र करना होगा, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ये एग्जाम्पलर MCQs। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के लिए दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं मेन बुक पे। तो गाइज, ये बुक मैंने 2021 के लिए मंगाई थी, ओके। और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है नीट के लिए, काफ़ी थिक बुक है और इसके ऑथर्स हैं KN भाटिया और MP त्यागी। ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक है गाइस, पेपर क्वालिटी अच्छी है इसकी है। और ये बुक मुझे अराउंड 700 रुपीज़ की पड़ी थी, ओके। तो ये अब इसमें 11th के सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मुझे ये बुक काफ़ी हेल्पफुल लगी, क्योंकि क्या है ना कि NCERT में हमारे सारी चीज़ें नहीं दे रखी होती हैं। NCERT में जो NCERT है बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म है, और कई बार क्या होता है कि हमें NCERT में से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमारे उसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्टिव बुक है, काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही बुक पढ़नी चाहिए पूरी तरह, बट गाइस, NCERT पढ़ते वक्त आपके पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सी चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी तो आप रेफ़र तो कर सकते हैं, वो चीज़ आपको समझने के लिए कुछ और। देखिए, जैसे ये टॉपिक है हर्बेरियम का, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, और मतलब सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। एक आध जगह कुछ आपको मिस्टेक्स मिल सकती हैं, पर वो इजीली आप पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, चैप्टर के एंड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, फिर NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और आंसर्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 मार्क क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, फिर 5 मार्क क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि डायग्राम्स कलर्ड हैं, पर डायग्राम्स हैं, अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, पर फिगर्स वैसी नहीं है कि बहुत कलरफुल हों, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बुक आपके लिए आपके पास होनी चाहिए, और इसको आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और गाइस, वैसे तो बहुत डिटेल में है, लेकिन अगर NCERT पढ़ रहे हो तो साथ में ये बुक होनी चाहिए। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और इसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी साथ में। जैसे आप इतनी मोटी बुक कैरी नहीं कर सकते, तो ऑन द गो इसको पढ़ सकते हैं, कहीं भी अपनी ई बुक को आप डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं, ओके। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो इस बुक के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा।